डॉक्टर सुनील तंवर। दोस्तों मेरे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी को संभव कोई नोज की प्रॉब्लम थी, फिर ये मेरे पास आए, हमने इनको ठीक किया। पर सबसे पहले तो संदीप जी से ही उनकी जो है प्रॉब्लम थी, नोज सर्जरी की जर्नी जानेंगे। संदीप जी आप बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम थी एंड कैसे फिर आपका जो है वो ठीक हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा? हेलो सर, मेरा नाम संदीप शर्मा है, देहरादून से हूँ मैं। मुझे बचपन में एक बार क्या बॉल लग गई थी क्रिकेट की, और तब से मुझे शायद इतना कुछ पता नहीं था कि, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे को सांस आना लेफ़्ट साइड से बिल्कुल भी बंद हो गया, बिल्कुल सांस नहीं आता था। और मैंने 5-6 मतलब कि डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इतना अच्छे से मैं समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर यूट्यूब पे का वीडियो देखी डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब के समझाने का तरीका जो था वह इतना आसान था कि पूछ सब कुछ समझ में आया कि क्या होना है, कौन सी सर्जरी होनी है, कैसे होनी है। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया और मैं यहाँ पर आया, ऑपरेशन हुआ, एक महीना हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से सांस आ रहा है। और मैं एक जो है यहाँ का स्टाफ जो है बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव स्टाफ है सबसे मेन चीज़, कि हर बात को उन्होंने समझा और टाइम टू टाइम मेरे को क्या मेडिकेशन भी दिया। और अभी मेरे को 1 महीने के बाद मैं अभी यहाँ पर आया हूँ और बहुत अच्छे से सांस आ रहा है। मेरे को सबसे मेन जो चीज़ थी ना, दोनों साइड से बहुत मेरे एकदम से ओपन हो गया है नोज़ क्लिनिक। संदीप जी आप जैसे मेडिकल से बिलोंग करते हैं, आप सारी चीज़ें जानते हैं, जैसे आपको भी जैसे थोड़ा सा फिर भी सर्जरी के लिए डॉक्टर साहब ने बताया तो थोड़ा सा ऐसा नहीं लगा, डर नहीं लगा उसके रिगार्डिंग? नहीं सर, एक्चुअली पहले मेरे को थोड़ा फील हो रहा था ऐसा कुछ, लेकिन जैसे आपने बताया, मेरा पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया कि ऐसे ऐसे करके होगा, पहले हम ऐसे करेंगे फिर इसको ऐसे करेंगे, तो उसके बाद सुनने के बाद मेरा डर बिल्कुल से ख़त्म हो गया थोड़ा। अभी जो है आपकी जो है प्रॉब्लम, जो आपकी समस्या थी वो काफ़ी ठीक है। जी सर, बिल्कुल एकदम अच्छा हो गया। एंड एक जो मेन चीज़, व्हाट इज़ योर मैसेज? ऐसे बहुत सारे अभी भी लोग हैं बेचारे जो ट्रॉमा के कारण है या जिनके नोज की प्रॉब्लम है, समहाउ कुछ दिमाग में मिथ है जो इलाज नहीं कराते, क्या मैसेज आप दोगे? मैसेज सर ये है कि कोई भी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कोई भी नाक की अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार डॉक्टर साहब से आके बिल्कुल ज़रूर मिलें, बहुत अच्छे से वो आपको पूरे से अच्छे से क्लेरिफाई वो करेंगे और समझाएंगे क्या है कैसे है, और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं उनसे आप पूछिए एक बार, बहुत अच्छे से बताएंगे वो आपको। थैंक यू संदीप जी, बहुत अच्छी इन्होंने बात बताई। देखो दोस्तों बेसिकली क्या है कि किसी को भी प्रॉब्लम है, जैसे नोज में प्रॉब्लम है, बहुत बार जाने अनजाने में ट्रॉमा हो जाता है, एंड किसी के कारण से भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इसमें है, चाहे जयपुर दूरबीन में, चाहे डॉक्टर सुनील से या कहीं पे भी हम ट्रीटमेंट कराएं, सबसे पहले तो हमें डॉक्टर को अच्छे से समझना है कि जो मेरी प्रॉब्लम है उसके लिए वो ठीक करने के लिए काबिल है कि नहीं है। बहुत बार अगर कई बार क्या है हमारा इलाज के बाद अगर हमारा काम नहीं होता है तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस होता है। इसलिए क्या है कि डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसको समझना चाहिए अच्छे से कि हमारा डॉक्टर जो है वो बोर्ड सर्टिफाइड है कि नहीं है, या हमारी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक होने के लिए है कि नहीं है। क्योंकि आपकी स्किल और बिहेव वह हमारा दोनों ही अच्छा होना चाहिए, जहाँ हमारा जो है अच्छा ट्रीटमेंट निकल के आता है। एंड आपको जो आपकी समस्या है उसको अगर डॉक्टर ने बताया है कि ये सर्जरी है या ये इसके थ्रू ठीक होगी तो उसको कराना चाहिए, जैसे ये बता रहे हैं उसको दबाना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको क्या है उस प्रॉब्लम के कारण और भी जो है कॉम्प्लिकेशन या दुष्परिणाम हो सकते हैं। एंड वंस अगेन संदीप जी जो है वो इतनी दूर देहरादून से यहाँ पे आए हैं क्योंकि ट्रीटमेंट तो इनके पास वहाँ पे भी था, लेकिन इनको लगा कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो यहाँ ठीक नहीं हो पाएगी इसलिए यहाँ आए। तो ये है आपको चुनना कि डॉक्टर जो हम चूज कर रहे हैं, अगर आपने डॉक्टर हमने चूज किया है तो बढ़िया है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रेस्ट ऑफ काम तो सारा डॉक्टर का ही होता है। सो दोस्तों अगर आपको नोज में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली यू चूज ए गुड डॉक्टर एंड देन आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कराइए। थैंक यू।